इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की सदस्य सांसद रवि किशन ने लोकसभा में की जोरदार मांग। कहा, देश के प्रमुख शहरों में गिने जाने वाले गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। आरोपी भाई को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त सूखी लकड़ी को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा सहित कई मार्केट और कस्बों में जीएसटी के छापेमारी के डर से कई दुकानें रही बंद। व्यापारियों को जीएसटी के छापे का सता रहा है डर। जिले में जीएसटी की छापेमारी की नहीं मिली सूचना। राहुल गांधी के समर्थन में 9 दिसंबर को कुशीनगर से यूपी कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा होगी प्रारंभ। विभिन्न जनपदों से होते हुए 20 दिसंबर को मगहर में होगा यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने दी जानकारी। पहचान के लिए बनवाने वाले टैटू अब फैशन में हो गया है तब्दील। शरीर के किसी भी अंग पर असुरक्षित तरीके से गुदवाया गया टैटू हेपेटाइटिस, एड्स, लीवर, सिरोसिस या कैंसर का बन सकता है कारण। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने वाले 5 अपराधियों प्रजापति, मनीष यादव, प्रिंस यादव, उदयभान यादव और सचिन यादव के ऊपर बांसगांव थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी साउथ ने दी जानकारी। जिले में स्थापित होगा 48 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। 20 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया हुई पूरी। वेलनेस सेंटर में ओपीडी, औषधि भंडार, डे केयर की रहेगी सुविधा। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। गोरखपुर के युवाओं में है फायर। बस उन्हें बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की है जरूरत। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने लोकसभा में की मांग। कहा, बेहतर खेल संसाधन उपलब्ध होने पर चीन, जापान जैसे देशों से अधिक लाएंगे मेडल। से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई, आतिशबाजी कर की खुशी जाहिर। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गुजरात के जनता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की है जीत। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत वैद्यनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता तीसरे दिन भी रहा जारी। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज और फैजाबाद हॉस्टल के बीच खेला गया मैच। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले टीम व खिलाड़ियों को नगद धनराशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री 10 दिसंबर को करेंगे सम्मानित।